नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कुशाग त्रिवेदी है और आप देख रहे हैं द कन्वर्सेशन। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, या इसका दूसरा भाग है। अगर आपने अभी तक इसका पहला भाग नहीं देखा है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जा करके मैंने लिंक दी हुई है, आप इसका पहला भाग देखिए, तब इसका दूसरा भाग शुरू करिए, आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स, हमने पिछले भाग की अंत की थी इंटरनल एनर्जी से, उसमें मैंने इंटरनल एनर्जी को साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों तरीके से समझाया था। फ्रेंड्स, साइंस ने बहुत खोजें की ये सिद्ध करने के लिए या ये पता करने के लिए कि हाँ, क्या वास्तव में मानव शरीर में आत्मा का वास होता है। इन्हीं खोजों के अंतर्गत 1991 में सर डंकल, डॉक्टर डंकल एक थे, उन्होंने एक खोज की है। उन्होंने जो खोज की उसको नाम दिया गया 21 ग्राम थ्योरी, यानी 21 ग्राम थ्योरी। ये 21 ग्राम थ्योरी क्या है, अब हम इसे समझते हैं। तो जो डॉक्टर डंकल थे, डंगल, उन्होंने ये किया कि एक व्यक्ति जो लगभग मरणासन्न स्थिति में था, 1 से 2 दिन में वो मरने वाला था, उन्होंने उसे एक खास यंत्र में रखा जिसके माध्यम से उसका मरने के तुरंत बाद उसके वजन में क्या परिवर्तन हो सकता है ये नापा जा सके। तो उन्होंने उस व्यक्ति को उस यंत्र पे रखा। मरने से पहले व्यक्ति का वज़न जो था वो मरने के बाद 21 ग्राम कम हो गया। तो उन्होंने ये सिद्धांत बनाया कि व्यक्ति के शरीर के अंदर कोई ऐसी ऊर्जा या ऐसी शक्ति ज़रूर होती है जो मरने के बाद ख़त्म हो जाती है और उसका वज़न 21 ग्राम होता है। तभी से वैज्ञानिकों ने माना कि आत्मा का वज़न 21 ग्राम होता है। खैर, इस थ्योरी पे अभी भी बहुत से वाद विवाद चल रहे हैं, बहुत से वैज्ञानिक इसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि विज्ञान जो 1991 की विज्ञान थी वो उस तरह किसी विकसित नहीं थी, आज की विज्ञान ज़्यादा विकसित है, तो वैज्ञानिक उसकी खोज में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जो अध्यात्म ने बताया है वो विज्ञान खोज रहा है। अध्यात्म ऑलरेडी उन चीज़ों को बता चुका है जो विज्ञान अब खोजने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आत्म ऊर्जा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आत्म ऊर्जा को विज्ञान और अध्यात्म दोनों तरीके से रिलेट करने की कोशिश करूँगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स, आत्म ऊर्जा क्या है, इंटरनल एनर्जी जिसे हम बोलते हैं। अगर आपने पुरानी किताबें पढ़ी हैं, अर्थर वेद वगैरह, उनमें बताया गया है कि मनुष्य के शरीर के अंदर एक आत्म ऊर्जा होती है जिसके माध्यम से वह सारे कार्य करता है। यह आत्म ऊर्जा आखिर है क्या? आत्म ऊर्जा होती है जब आप ध्यान अभ्यास में बैठते हैं, तो आपके मन, जब आप आंखें बंद करते हैं तो आपको कई तरीके की तरंगे नज़र आती हैं, कई तरह की रोशनियां नज़र आती हैं, कई तरह की ध्वनि आपको सुनाई देती है। तो ये सब आपकी आत्म ऊर्जा का एक भाग है। जैसे जैसे आपके ध्यान की अवधि और दिन बढ़ते जाएंगे, आपकी ये ऊर्जा वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाएगी इससे। तो इसका विज्ञान से क्या संबंध है? साइंस ने ये बताया है कि जो मानव शरीर है वो अणुओं से, परमाणुओं से मिल करके बना है, मांसपेशियों से मिल करके बना है, हड्डियों से मिल करके बना है। इसमें कोई ऐसी शक्ति है जो इस शरीर को चला रही है। हालांकि विज्ञान अभी भी ये प्रूफ नहीं कर पाया है कि मनुष्य के शरीर के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे वह जीवित रहता है, और ऐसी कौन सी शक्ति जिससे ख़त्म होने के बाद मनुष्य मर जाता है। फ्रेंड्स, जो आत्म ऊर्जा है इसको अध्यात्म में क्या कहा गया है? अध्यात्म में आत्म ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा बोला गया है, कहीं कहीं इसको ईश्वरीय ऊर्जा बोला गया है, कहीं कहीं इसको जन्मांत ऊर्जा बोला गया है, जो एक ऊर्जा इसको ऐसी ऊर्जा बोला गया है जो कभी ख़त्म नहीं होती है। साइंस ने भी ऐसी बहुत सी ऊर्जाएं बताई हैं जो कहीं कभी कभी ख़त्म नहीं होती। जैसे घर्षण है वो कभी ख़त्म ना होने वाला है,
गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, इसी तरीके से जो आत्म ऊर्जा है यह भी कभी खत्म नहीं होती है। तो साइंस ने आत्म ऊर्जा यानी आध्यात्मिक ऊर्जा को किस तरीके से बताया है, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। विज्ञान ने बहुत सी खोजें की, बहुत बार वो सफल हुआ, बहुत बार वो असफल हुआ, लेकिन विज्ञान इतना ज़रूर समझ गया कि अभी हमें और प्रयास की ज़रूरत है और एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत है इस मानव शरीर को ही समझने के लिए। विज्ञान अभी स्वयं को ही नहीं समझ पाया। विज्ञान ने अलग अलग थ्योरी दी, जैसे कि मैंने अभी 21 ग्राम थ्योरी बताई, और कुछ थ्योरीज थी सर, एक वैज्ञानिक थे उन्होंने E=mc² से भी मानव के शरीर को जोड़ने की कोशिश की, खैर वो सफल नहीं हो पाया, उन वैज्ञानिक का नाम मुझे याद नहीं है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो विज्ञान आज भी खोज कर रहा है कि ये आध्यात्मिक ऊर्जा क्या है, परंतु अगर हम शास्त्रों का गहन अध्ययन करें, उनके गुण अर्थ को जानें, तो हम इस आध्यात्मिक ऊर्जा को समझ सकते हैं और उसके फ़ायदे से अपने जीवन को सुधार सकते हैं। बहुत से ऐसे रोग हैं, बहुत से ऐसी बीमारियां हैं जो हम ध्यान अभ्यास और डेली योग के माध्यम से दूर कर सकते हैं, ये विज्ञान भी मानती है और ये अध्यात्म ने भी बताया है। अथर्ववेद जो है वो पूरा एक तरह से रोगों के उपचार, रोगों के लक्षण इन्हीं पे आधारित है। वैसे मुझे तो नहीं पता है कि इसका हिंदी वर्जन आता है कि नहीं आता है, अगर आता होगा तो मैं इसकी जानकारी आपको आगे जरूर दूंगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी ऊर्जा हो सकती है मेरे हिसाब से जो शरीर को चलाती है। फ्रेंड्स, हमको बचपन से ये बताया जाता है कि ईश्वर ने हम सभी को भेजा, उसने अपना अंश हमें दिया। तो मेरा मानना ये है कि कोई एक ऐसी अनदेखी शक्ति है जो हमारे शरीर को चला रही है। विज्ञान ने उसे किसी तरीके से माना, अध्यात्म ने उसे किसी तरीके से माना, दोनों में थोड़ा सा प्रतिरोध है, थोड़े से अलग अलग डिफिनेशन है, लेकिन दोनों का जो भाव है, मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि अध्यात्म के कहने का तरीका और विज्ञान के कहने का तरीका अलग हो सकता है, बिल्कुल अलग होता है, लेकिन जो उनकी फीलिंग्स हैं, जो उनका भाव है, वो यही है। और मेरा आज के वीडियो का मकसद सिर्फ इतना ही था कि मैं आपको जो आत्म ऊर्जा है उसके बारे में कुछ बता सकूं। अब फ्रेंड्स, मैं आत्म ऊर्जा को कैसे बढ़ाया जा सकता है, हम अपनी इंटरनल पावर, इंटरनल एनर्जी को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, बस आप सुबह थोड़ा सा सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें, और संभव हो सके नहीं, ये अनिवार्य है, सूर्योदय से पहले उठें और सुबह आप मॉर्निंग वॉक पर जाएं, और कम से कम एक आसन तो आप ज़रूर सीखें। मैं कहता हूँ आप दो आसन सीख लीजिए, एक कपालभाति और दूसरा सर्व अंग आसन। सर्व अंग आसन एक ऐसा आसन है जिससे हमारे शरीर के सारे अंग सक्रिय रहते हैं उस बार में, और कपालभाति के माध्यम से हम अपनी ब्रीथिंग सिस्टम को सही कर सकते हैं। और साइंस भी इसको मानता है कि जो कपालभाति आसन है उसके माध्यम से जो फेफड़ों संबंधी बीमारियां होती हैं, खांसी वगैरह होती है, वो कम आती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा हलचल हो रही है बैकग्राउंड में, इसकी वजह से मैं थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ आपसे, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। तो अब हम बात करेंगे कि विज्ञान और अध्यात्म का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। जब से 20वीं सदी ख़त्म हुई, 19वीं सदी ख़त्म हुई और बल्ब का आविष्कार हो गया, उसके बाद से लोगों का अध्यात्म की ओर से थोड़ा ध्यान हटा, उनको टेक्नोलॉजी मिलने लगी, उनको सारी सुविधाएं मिलने लगी, और आज लोग फिर से उसी दौर में जाना चाहते हैं जो वहाँ पहले थे। वे फिर से चाहते हैं कि उन्हें कोई ना कोई ऐसा मोटिवेशन मिले, ऐसी चीज़ें मिलें जो उन्हें ईश्वर की करीब ले जा सके। तो फ्रेंड, जो अध्यात्म है वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ज्ञान के भी कुछ ऐसे नियम हैं जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, दोनों अपनी जगह पर सही हैं, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, दोनों एक दूसरे के गति अवरोधक नहीं हैं।
दोनों के कहने का तरीका अलग है, लेकिन दोनों के भाव सेम है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरा अगला वीडियो बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। और फ्रेंड्स, मैं एक बहुत ही बड़े वीडियो पर काम कर रहा हूँ, जो कि कम से कम 2 महीने में तैयार होगा। उसके लिए आप भी इंतज़ार करिएगा। मैं पूरे मन से उस वीडियो को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आज का वीडियो इतना ही है। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें।